एवरीवन, दिस इज योगिता, वेलकम टू अवर चैनल ट्राई सिटी प्रॉपर्टी गुरु। तो आज मैं वैसे ही प्रोजेक्ट में आपको ले आई हूँ जो कि एक लग्जरियस प्रोजेक्ट है, दी मेडेलियन लोकेशन लग्जरी एंड लाइफस्टाइल। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी लोकेशन के बारे में, जो कि सेक्टर 82 मोहाली ऑन PS7 एयरपोर्ट रोड रहेगी, नियरेस्ट टू योर IT सिटी। सेकेंडली हम बात करते हैं सोसाइटी के बारे में। टोटल सोसाइटी जो है 8.6 एकर्स की लैंड पे रहेगी विद 2.5 एकर्स एरिया ऑफ ग्रीन एरिया, जिसमें आपको काफ़ी एरिया जो है ग्रीन एरिया जो है मिल रहा है। थर्डली हम बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के बारे में। माइवन कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी गाइज इसमें यूज़ हुई है, जिसमें आपका कोई भी ब्रिक्स का यूज़ नहीं हुआ, ओनली कंक्रीट का जो है यूज़ किया है, जिसकी वजह से आपके घर की जो है लाइफ जो है काफ़ी लंबी रहेगी। एंड जो गाइज इन्वेंट्री रहेगी वो 3 and 4 BHK की रहेगी, 3 BHK विद द साइज ऑफ 1550 स्क्वायर फीट एंड 1995 स्क्वायर फीट एंड 4 BHK विद द साइज ऑफ 2695 स्क्वायर फीट। बट आज इस वीडियो में गाइज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी 3 BHK विद द साइज ऑफ 1995 स्क्वायर फीट। तो आइए चलते हैं सैंपल फ्लैट की लोकेशन पे। गाइज अब हम आ चुके हैं अपने सैंपल फ्लैट की लोकेशन पे। एक फ्लोर पे आपके पास 4 अपार्टमेंट्स रहेंगे एंड लेफ्ट साइड पे आपका लिफ्ट एरिया रहेगा। तो सबसे पहले आप देखती है कि आपके मेन एंट्री का गेट सेम एज इट इज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, विद कीलेस रहेगा ये डिजिटल लॉक के साथ। तो गाइज फ्लैट में अंदर एंटर करते ही राइट हैंड साइड पे सबसे पहले एरिया आ जाता है पूजा रूम का एरिया या फिर स्टोर रूम का, इस पर चॉइस आप इसे बना सकते हैं। एंड उसके बाद हम आ जाता है हमारा ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया, बिल्कुल स्ट्रेट में आपका ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया आ जाएगा, जिसका साइज़ रहेगा 26 by 11 square feet। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे ड्राइंग एरिया के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा स्पेस यहाँ पे मिल रहा है, इजीली मैं मूव कर रही हूँ यहाँ पे, बहुत ही अच्छे तरीके से इसे डेकोरेट भी किया हुआ है। एंड जो सबसे अच्छी बात मुझे गाइज यहाँ के ड्राइंग डाइनिंग की लगी है कि यहाँ की 10 feet की जो हाइट जो यहाँ पर मिल रही है, बहुत ही रेयर कम फ्लैट्स में जो है देखने को मिलती है इतनी बड़ी हाइट। 10 feet की हाइट के साथ इसको जो है डिज़ाइन किया हुआ है एंड इसी के साथ यहाँ पे अटैच जो है बालकनी भी है। सो गाइज ये आपके अटैच ड्राइंग के साथ आपकी बालकनी रहेगी, 6 feet की बालकनी रहेगी, बहुत ही अच्छा साइज जो है बालकनी का आपको मिल रहा है। एंड जो ग्रिलिंग की भी हाइट है वो भी काफ़ी अच्छी हाइट आपको जो है यहाँ पे मिलेगी। तो अगर आप चाहें तो बहुत अच्छी तरीके से इसे डेकोरेट कर सकते हैं, झूला लगा सकते हैं टेबल चेयर के साथ, काफ़ी अच्छे डेकोरेटिव हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं कि हम अपनी बालकनीज को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। सो आइए चलते हैं आगे। सो गाइज़ ये देखी थी आपने हमारी बालकनी, अब हम बात करते हैं हमारे LED पैनल की। तो यहाँ पे आपके पास एक आइडिया मिल रहा है कि आप कैसे LED पैनल को डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत ही बड़ी स्क्रीन जैसे इन्होंने लगा रखी है, आप भी अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ जो है नेटफ्लिक्स Amazon Prime पे मूवीज़ जो है इन्जॉय कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने डाइनिंग एरिया की तरफ। तो बहुत ही ब्यूटीफुल इन्होंने डाइनिंग सेट यहाँ पे जो है प्लेस किया है 6 seater एंड इतना अच्छा स्पेस है गाइज कि मैं इतना इनफ स्पेस भी मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे मिल रहा है कि मैं ईजिली मूव कर पा रही हूँ। और मेरे राइट हैंड साइड पे भी इन्होंने जो है स्टोरेज का एक काउंटर बना रखा है, उसके बाद भी बहुत ही अच्छा स्पेस यहाँ पे आपको मिल रहा है। एंड इसी के साथ ड्राइंग एंड डाइनिंग में आपको दोनों के कंबाइन आपको एक फॉल सीलिंग का डिज़ाइन मिलेगा एज इट इज़, जो हम कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, बहुत ही ब्यूटीफुल आपकी फॉल सीलिंग पे आपको डिज़ाइन मिल जाएगा। तो ये था हमारा ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया। तो अब हम चलते हैं हमारे किचन की तरफ। सो गाइज ये रहेगी आपकी फुली मॉड्यूलर किचन एज इट इज़ आपको मिलेगी। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं। चिमनी एंड होब एज इट इज़ गाइज आपको मिल रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे अपर कैबिनेट्स की, जो कि हाइड्रोलिक के साथ आपके अपर कैबिनेट्स रहेंगे, जिसमें काफ़ी अच्छा स्टोरेज का स्पेस आपको मिल रहा है यहाँ पे। एंड सेकेंडली हम बात करते हैं हमारे लोअर कैबिनेट्स की, जो कि गाइज सॉफ्ट क्लोजर के साथ रहेंगे। एंड इसी के साथ यहाँ पे आपके पास OTG माइक्रोवेव एंड रेफ्रिजरेटर का स्पेस रहेगा गाइस। तो यहाँ पे जो एक कंसेप्ट यूज़ किया है, जो मोस्टली आजकल नया कंसेप्ट शुरू हुआ है, ड्राई एंड वेट किचन सेपरेट रहेगी। तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी ड्राई किचन आ जाएगी एंड मेरे राइट हैंड साइड पे आपकी वेट किचन आ जाएगी, जिसमें आपको ड्यूल सिंक मिल रही है, साउंड प्रूफ जो है आपकी ये जो है सिंक रहेगी एंड इसके ऊपर भी जो है कैबिनेट्स बने हुए हैं, ताकि आप ईजिली अपने यूटेंसिल्स को स्टोर कर सकते हैं।
नीचे आपका डस्टबिन का सेक्शन आ जाएगा एंड एक और सेक्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है बास्केट का सेक्शन, जिसमें आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स या अपनी वेज सब जो है इजीली स्टोर कर सकते हैं। तो ये थी हमारी फुली मॉड्यूलर किचन, इसी के साथ गाइज अटैच रहेगी बालकनी। सो गाइज ये आपकी एक कम्बाइंड बालकनी रहेगी, एक तो आपकी किचन के साथ है ज्वाइनिंग रहेगी, साथ में आपके फर्स्ट बेडरूम के साथ भी आपकी ज्वाइनिंग रहेगी। तो बहुत ही अच्छा स्पेस गाइज आपको आपकी बालकनी में मिल रहा है, आप चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं इसको। एंड इसी के साथ एक आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस मिल रहा है गाइज, जहाँ पे आप वॉशिंग एरिया की तरह उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो स्पेस रहेगा गाइज यहाँ पे आपकी प्रॉपरली कवर्ड में, जैसे आप देख रहे हैं वैसे आपकी वॉशिंग मशीन आ जाएगी एंड इजीली आप यहाँ पे जो है अपने क्लॉथ्स को वॉश कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस ही बहुत अच्छा स्पेस है। सो आइए चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन। सो गाइज ड्राइंग एंड डाइनिंग को हमने इस तरीके से जो है डिज़ाइन किया हुआ है कि अगर आपका गेस्ट ड्राइंग एरिया में है तो प्रॉपरली आपके बेडरूम्स में प्राइवेसी रहेगी, तो इस चीज़ का प्रॉपरली ध्यान रखा गया है। एंड डाइनिंग एरिया में आपको एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगी कि ये जो आप देख रहे हैं एक क्रॉकरी सेक्शन या पेंट्री सेक्शन भी आपको यहाँ पे एक स्पेस रहेगा आपके पास, तो आप ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं। सो ये देखा गाइज आपने हमारा ड्राइंग डाइनिंग एंड किचन का एरिया। तो हम चलते हैं हमारे बेडरूम्स की तरफ, तो सबसे पहले हम एक्सप्लोर करते हैं हमारा फर्स्ट रूम। सो गाइज ये रहेगा आपका फर्स्ट बेडरूम, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके साइज़ के बारे में, जिसका साइज़ रहेगा 15x11 स्क्वायर फीट का। बहुत ही अच्छा साइज़ आपको यहाँ पे मिल रहा है एंड यहाँ पे बेड यहाँ पे लगा हुआ है एंड मैं इजीली इतना अच्छा स्पेस यहाँ पे बच रहा है कि मैं अच्छे से यहाँ पे मूव कर पा रही हूँ। एंड इसी के साथ जो कलर कंट्रास्ट यहाँ पे यूज़ हुआ है वो भी बहुत ही अच्छा यूज़ किया। तीनों रूम्स में गाइज आपको जो है डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, तो आपके पास आइडियाज़ होंगे कि आप कैसे उसे डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक काउच भी यहाँ पे यूज़ हुआ है, क्योंकि अच्छा स्पेस है तो हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं किसी भी और अच्छे तरीके से। अगर आप चाहें तो इसको और भी बड़ा सोफ़ा सेट यहाँ पे जो है इजीली प्लेस कर सकते हैं। सो आइए चलते हैं वॉशरूम्स की तरफ। तो सबसे पहले स्लाइडिंग डोर के साथ गाइज आपको यहाँ पे वार्डरोब मिल जाएगी विद अ वेरी गुड स्पेस। एंड उसके बाद हमारा बाथिंग एरिया को जैसे इन्होंने सेपरेट किया हुआ है ग्लास के थ्रू, तो आपके पास भी आइडिया है कि आप कैसे इसको ग्लास के थ्रू पार्टीशनिंग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्पेस यहाँ पे आपको जो है आपके वॉशरूम में मिल जाएगा। जितनी भी फिटिंग्स हैं वो सारी की सारी ब्रांडेड फिटिंग्स का यहाँ पे जो है यूज़ हुआ है। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था किचन के बालकनी में कि आपकी बालकनी आपके फर्स्ट बेडरूम के साथ अटैच रहेगी, तो वो उसका सेस गाइस जो है यहाँ से आपको मिल जाएगा। एंड जो लास्ट पार्ट रह गया हमारे इस बेडरूम का रह गया वो है फॉल सीलिंग का पार्ट एंड लाइट्स का पार्ट। तो अगेन आपके पास आइडिया आपको मिल जाएगा कि आप कैसे अपने घर की फॉल सीलिंग को जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। सो ये था गाइस हमारा फर्स्ट रूम, इसी के एडजॉइनिंग हमारा रहेगा सेकेंड बेडरूम। तो गाइस पर्सनली जो है मुझे ये बेडरूम ज़्यादा अच्छा लगा। अगर मैं अपने लिए घर देखती या फिर कुछ मुझे अपना इंटीरियर सोचना होता तो मैं पर्सनली इस तरीके का इंटीरियर करवाना पसंद करती, बिकॉज इसका जो कलर कंट्रास्ट जो यूज़ हुआ है वो बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ हुआ है एंड जो स्पेस को यूटिलाइज़ किया वो भी बहुत अच्छे तरीके से किया है। बेड यहाँ पे प्लेस हो गया है, दो साइड टेबल्स यहाँ पे इन्होंने लगा दिए हैं। बेड इंटीरियर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जो कलर कंट्रास्ट बेड एंड बेड इंटीरियर का इन्होंने किया है। प्लस LED पैनल के लिए भी इन्होंने बहुत ही अच्छा नीचे सेक्शंस बना दिए हैं ताकि स्टोरेज भी मुझे कोई दिक्कत ना रहे। साथ ही साथ एक कंफर्ट टेबल के लिए, मेरे कंफर्ट जोन के लिए जैसे इन्होंने यहाँ पे काउच को प्लेस किया है, तो एज इट इज़ मैं भी जो है अपने काउच को यहाँ पे प्लेस करती हूँ। और स्पेस को यूटिलाइजेशन बेस्ट जो है मुझे लगी यहाँ पे इस रूम में, जो कि प्रॉपरली की हुई है। एंड फॉल सीलिंग का डिज़ाइन, वाओ, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने फॉल सीलिंग को यहाँ पे भी डिज़ाइन किया है। तो ओवरऑल जो था सब बेस्ट था इस रूम का। एंड अब हम चलते हैं इसके वॉशरूम के सेगमेंट में। सो यहाँ पे भी सबसे पहले गाइस आपकी वार्डरोब्स आ जाएंगी विद स्लाइडिंग डोर एंड सेम कंसेप्ट भी यहाँ पे यूज़ हुआ है, पार्टीशनिंग की हुई है। ये आपके पास आइडिया है कि आप कैसे इसकी पार्टीशनिंग कर सकते हैं और इसको और डेकोरेटिव बना सकते हैं। एंड स्पेस भी बहुत अच्छा आपको वॉशरूम्स के अंदर मिल रहा है। एंड एक चीज़ गाइज मैं आपको बताना भूल गई कि सेकेंड बेडरूम एंड फर्स्ट बेडरूम का आपको बिल्कुल सेम साइज़ मिल रहा है, दैट इज़ 15x11 स्क्वायर फीट का ये भी आपका साइज़ रहेगा। सो अब हम चलते हैं अपने घर के लास्ट बेडरूम की तरफ, दैट इज़ बेडरूम 3। सो फ्रेंड्स यहाँ से रहेगी आपकी थर्ड बेडरूम की एंट्री। सो ये आपका रहेगा थर्ड बेडरूम, जिसे आप चाहें तो किड्स रूम या गेस्ट रूम की तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। इसका जो स्पेस रहेगा वो 13x11 का इसका साइज़ रहेगा, बहुत अच्छा साइज़ आपको यहाँ पे जो है मिल रहा है।
एंड इसमें जो है बेड प्लेस किया हुआ है, साथ में आपको दो साइड टेबल्स भी मिल रहे हैं यहाँ पे। एंड इसी के साथ जो कबर्ड्स रहेंगी गाइज, वो आपकी इन बिल्ट कबर्ड्स रहेंगी, जिसकी वजह से आपका रूम का जो साइज़ रहेगा वो बहुत अच्छा साइज़ आपको जो है यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी के साथ ये जैसे यहाँ पे इन्होंने एक सीट, सोफ़ा सीट यूज़ की हुई है, तो आप भी यहाँ पे जो है कर सकते हैं। एंड मेरे लेफ्ट हैंड साइड की वॉल पे आ जाता है आपका एलईडी पैनल, इन्होंने जैसे वुडन की पीवीसी पैनलिंग की हुई है एंड काफ़ी अच्छा टेक्सचर वर्क किया हुआ है, तो आप भी अपने घर में जो है अच्छे अच्छे आइडियाज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ के सैम्पल फ्लैट से, एंड उसे अपने तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड बहुत अच्छी और डिफरेंट यहाँ पर लाइटनिंग्स का यूज़ हुआ है फॉल सीलिंग पे भी, तो आपको भी आइडिया प्रॉपरली मिल रहा है। एंड इसी के साथ आपकी एडजॉइनिंग रहेगी आपकी बालकनी। सो गाइज, ये आपकी थर्ड बालकनी रहेगी, जो कि कॉमन बालकनी है आपके सेकंड बेडरूम के साथ भी और एक थर्ड बेडरूम के साथ भी, तो एक रनिंग बालकनी आपको यहाँ पे मिल रही है। इसकी फीट 6 फीट की रहेगी और एक छोटा सा स्पेस मैं आपको दिखाना चाहूँगी इस बालकनी में एक्स्ट्रा, क्योंकि मेरे राइट हैंड साइड पे आप स्पेस देख रहे हैं, तो ये स्पेस आप अच्छे तरीके से इसको स्टोर रूम चाहें या कुछ भी आप बना सकते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से अपनी बालकनी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। सो आइए चलते हैं आगे। एंड इसी के साथ इस रूम के साथ आपको अटैच्ड वॉशरूम भी मिल रहा है गाइस, जो कि एक कॉमन वॉशरूम है जिसकी ड्यूल एंट्रेंस रहेगी, अगर कोई गेस्ट भी आ रहा है तो वो भी यही वॉशरूम जो है एक्सेस करेगा, जिससे आपको प्रॉपरली प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। दो डोर्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, बहुत अच्छा स्पेस आपके वॉशरूम्स में है एंड फुली ब्रांडेड फिटिंग्स की सैनिटरी आपको यहाँ पे मिल रही हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखा आपने 3 BHK का सैम्पल फ्लैट विद द साइज़ ऑफ 1995 स्क्वायर फीट। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। एंड अब हम बात करते हैं सोसाइटी की अमेनिटीज़ के बारे में, तो इसमें आपको एक 38,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस मिल रहा है, जिसमें आपके पास सारी लग्जूरियस अमेनिटीज़ रहेंगी, जैसे कि स्विमिंग पूल, जिमनेजियम, योगा सेंटर एंड पार्टी हॉल, रेस्टोरेंट, कैफेटेरियाज एंड जितनी भी पार्किंग रहेगी गाइस, वो सारी की सारी आपकी पोडियम पार्किंग आपको यहाँ पे मिल रही है। एंड मैं एक बार लोकेशन का फिर आपको ब्रीफ करना चाहूँगी, दैट इज़ सिचुएटेड इन दी मेडेलियन, इज सिचुएटेड इन सेक्टर 82 मोहाली, नियर टू ITCT, ओन PR7 एयरपोर्ट रोड। तो अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है रिगार्डिंग प्राइस एंड लोकेशन, सो प्लीज़ नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल ट्राई सिटी प्रॉपर्टी गुरु। थैंक यू।